नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती बोरिंग टेक्नीशियन की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वन दरोगा भर्ती की, और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं डीआरडीओ से एक नई भर्ती का विज्ञापन आया है 1900 पदों के लिए, और इसके लिए आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। क्या क्या योग्यताएं हैं, किस तरीके से भर्ती होगी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार के अथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेस्ट बुक के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। विन विन वीकेंड ऑफर है ये, आज और कल केवल 3 तारीख और 4 तारीख के लिए है। जो प्लान 499 में था उसको 400 रुपये में कर दिया गया है। प्लान क्या है कि 400 रुपये में 590 एग्जामों का मॉक टेस्ट आपको देने को मिलेगा। इतने सारे एग्जाम आपको कवर करवाए जाएंगे, और टेक्स्ट बुक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें से लगभग 14 लाख विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और 12 लैंग्वेज में ये मॉक टेस्ट उपलब्ध है। कोड आपको यूज करना पड़ेगा TWP यानी टारगेट विद पीएस परिहार, तभी आपको ये 20% की छूट देखने को मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और टेक्स्ट बुक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस ऐप में 7000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे, और 43000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जो मॉक टेस्ट होते हैं या टेस्ट सीरीज होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अब संशोधित दैनिक सायंकाल समाचार को, और पहली जो सूचना है वो यूपी ट्रिपल एससी की है, बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती की। यूपी ट्रिपल एससी में आजकल थोड़ा सा तेजी दिखाई दे रही है, हर एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन या तीसरे दिन किसी न किसी भर्ती की नोटिस जारी हो रही है। बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती की एक नोटिस जो है वो कल जारी हो गई है, और अब इसका जो परिणाम भी जल्द आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तेजी को कि 3 जुलाई को ये परीक्षा हुई थी, और उसके बाद में इसकी जो आंसर की है, आजकल जो भी परीक्षा होती है 10-15 दिन के अंदर अंदर उसकी जो आंसर की है वो जारी कर दी जाती है। यहाँ पर 18 जुलाई को इसकी आंसर की जारी कर दी गई थी, और उसके तुरंत बाद यानी कि कल 2 तारीख को इसकी संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। जानकारी निकल करके आ रही है कि सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की जो भर्ती थी, इसका जो परिणाम है वो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो थोड़ी देर पहले डाला था, उसमें कुछ व्यस्तता की वजह से कुछ त्रुटि हो गई थी, इसलिए यह संशोधित वीडियो मैंने बनाया है अभी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रिवाइज आंसर की जारी हुई है, 486 पदों पर यह भर्ती हो रही है, और जानकारी निकल करके आ रही है कि जितनी भी पुरानी भर्तियाँ थी उनको लेकर के यूपी ट्रिपल एससी में तेजी है। इस समय लेखपाल भर्ती की भी रिवाइज आंसर की आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। 25 सितंबर के आसपास जो यूपी ट्रिपल एससी का कार्यक्रम है उसमें यह है कि किसी न किसी हर हाल में लेखपाल की जो आंसर की है वो 25 तारीख तक या उसके पहले पहले जारी कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं अगली भर्ती यानी वन दरोगा की। वन दरोगा के भी शासन की तरफ से नए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। लगभग 500 पदों पर यह भर्ती हो रही है, कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। अधिसूचना भी जारी हो गई है वन दरोगा भर्ती की। पहले इसकी योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग से होना अनिवार्य था, और अब इसमें स्नातक साइंस वर्ग कर दिया गया है। और इसके बारे में जो जानकारी मिली है कि वन दरोगा भर्ती में को लेकर के लगातार काम हो रहा है, और इसका जो विज्ञापन है वो इसी महीने लास्ट में सितंबर के महीने में ही जारी हो सकता है। 25 सितंबर के आसपास वन दरोगा भर्ती के जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाए। यहाँ पर वन दरोगा की अर्हताएं हैं, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, भारत का नागरिक हो। आपके काम की चीज़ ये जो लास्ट में लिखी हुई है कि वन दरोगा के पद पर सीधी भर्ती है तो अभ्यर्थी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, पर्यावरण विज्ञान में 2 या 2 से अधिक विषय के साथ में स्नातक की उपाधि। अंतिम सूचना है, ये दैनिक जागरण ये समाचार पत्र है जिसके माध्यम से जानकारी दी जा रही है। DRDO SEPTEM 10 के अंतर्गत 1901 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है, और इसके आवेदन आज से ही शुरू हो गए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 3 सितंबर से इसके जो आवेदन वो शुरू हो गए हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर रखी गई है। इसमें प्रत्येक योग्यता के लिए आपके लिए भर्ती है, बीटेक पास है उसके लिए भी है, बीई उसके लिए भी है, जो केवल हाई स्कूल पास है उनके लिए भी है, और जो इंटरमीडिएट पास है उनके लिए भी भर्ती है। इसका जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ, ये DRDO नोटिफिकेशन है, और इसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और DRDO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर जानकारियाँ दी गई हैं पूरी, इसकी जो लास्ट डेट है 23 तारीख, ऑनलाइन
एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ये 3 तारीख से देखिए लिखा है 10 बजे से, और भी बहुत सारी जानकारी है। नीचे हम लोग योग्यता इत्यादि के बारे में देखते हैं। पे स्केल ये देखिए, ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की है, जिसमें केवल बीटेक बीई पीएचडी वाले जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये पोस्ट कोड वगैरह है, कैटेगरी वगैरह, पदों की संख्या, जनरल एससी एसटी ओबीसी को कितने कितने पद दिए गए हैं। यहाँ पर टोटल 1075 पोस्ट ये देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, 149 ये, 61 ये और 259 ये पद दिए गए हैं, और एससी एसटी ओबीसी और टोटल। अब हम देखते हैं दूसरा, ये टेक्निकल ये भी है और ये है नॉन गजटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पद है, तो यहाँ पर टोटल 34 वैकेंसी है। इसमें ये लिखा है हाई स्कूल पास जो छात्र हैं वो आवेदन कर सकते हैं, और कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है और इसमें पदों की संख्या बहुत सारी, ये आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग पद हैं, बहुत सारे पद दिए हुए हैं ये देख सकते हैं। तो अपनी योग्यता के अनुसार आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यता शैक्षिक और अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरीके की छूट भी दी गई है। परीक्षा कब होगी, परीक्षा का सारा सिलेबस भी दिया गया, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 नंबर के 90 मिनट का समय मिलेगा। ये सारी सारी जानकारी दे दी गई है। तो ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।